Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. हमें करना है थर्ड चैप्टर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सेकंड चैप्टर अपना हो चुका है, थर्ड चैप्टर करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा इजी और सिंपल सा चैप्टर है बेटे। म्यूट हो जाए, सभी के सभी म्यूट हो जाओ बेटा, साउंड अपना म्यूट कीजिए, माइक। साउंड नहीं आना चाहिए, आज तक किसी का मैसेज आ रहे हैं, क्या है, म्यूट कर दो अपना साउंड। बेटे कार्तिक, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, बेटा कौन है ये जिसने साउंड म्यूट नहीं कर रखा अपना, कौन है ये? कमल प्रेत बेटे साउंड और म्यूट कीजिए बेटा अपना माइक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है बेटा कि क्वाड्रेंट आता है, सबसे पहले आता है आपका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है कि एक सरफेस है, एक प्लेन है, उसको क्या करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है उसमें, वो उसको क्या कर देता है, उस प्लेन को फोर पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको क्या कर देता है, फोर पार्ट में डिवाइड कर देता है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ पे क्या है, फोर क्वाड्रेंट हो जाते हैं, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे, यहाँ देखिए यहाँ इधर क्या होती है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, प्लस के होंगे। इधर एक्स एक्सिस क्या होता है, माइनस का होता है, तो एक्स डैश लिखते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस माइनस होता है तो वाई डैश लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स माइनस का होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, इस लाइन पे x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेंट है आपका, क्या करता है, प्लेन को x एक्सिस और y एक्सिस ना फोर पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो क्वाड्रेंट कहलाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में x और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड में x माइनस का होगा, y पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों ही माइनस के होंगे, x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है। अब इसके बाद आता है कि क्वाड्रेंट के बाद जो x की जो वैल्यू होगी, x का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ x वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं अब सीधा, बोलते हैं क्या, बोलते हैं अब्सिसा। एक्स के कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोलते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई होता है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। एक्स वाला है जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे पॉइंट मान लो क्या है कि मैंने बोला कि एक्स यहाँ पे टू होना चाहिए और वाई भी टू होना चाहिए, तो मैं यहाँ वन और टू, यहाँ पे टू है और इधर वन और टू, एक्स टू है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं इधर से टू और इधर से टू, ये पॉइंट आ गए। यहाँ एक्स वाला पहले पॉइंट लिखा जाता है और वाई वाला बाद में लिखा जाता है, तो जो एक्स वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं अब्सिसा, क्या बोलते हैं, अब्सिसा, और y वाला कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, उसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये अब्सिसा कहलाता है और ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि ग्राफ टाइप में पॉइंट क्या करने हैं, आपको पॉइंट शो करने हैं,
मेन यही होता है। दूसरा क्या होता है, इसका ये ओरिजिन होता है, जहां पे क्या करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच करती है वो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन, ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे एक्स का पॉइंट भी जीरो होता है और वाई का पॉइंट भी क्या होता है, जीरो होता है। ओरिजिन पे एक्स का पॉइंट भी जीरो होता है, वाई का पॉइंट भी क्या होता है, जीरो होता है। बस मेन यही था इसमें। अब देखिए मान लो कि इस साइड से आपको पॉइंट लोकेट करने हैं, कहता है कि 2-1 ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है -3 -2। कहते हैं कि ये पॉइंट लोकेट कीजिए, तो आप ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करोगे, ये वाई एक्सिस आ गया और ये आपका एक्स एक्सिस आ गया। अब देखिए कि जहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 ये 1-1 का डिस्टेंस करके हमने क्या किया, लाइन पॉइंट शो कर दिए। ग्राफ पे होता ही ऐसे कि ये 1 यूनिट है, ये माइनस का 2 यूनिट हो गया, इधर भी माइनस का आ गया, तो ये सेम डिस्टेंस पे। अब ये कहता है कि फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो एक्स का होता है और सेकंड वाला क्या होता है, वाई का। तो ये कहता है एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ होगा एक्स, और कहता है वाई -1 तो वाई यहाँ माइनस का होगा। तो ये 2 है, 2 वाली लाइन ऐसे आएगी नीचे और ये -y वाली -1 वाली लाइन यहाँ आएगी। तो यहाँ पे जब 2 और -1 यहाँ कट करेंगे तो ये आएगा 2 और -1, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा, ये पॉइंट। ये कहता है कि x -3, मान लो -3 यहाँ है, x -3 और y, तो ये x -3 ये लाइन ऐसे डॉटेड आप इधर लेके आओगे और y -2 डॉटेड इस साइड से डॉटेड यहाँ लाओगे, जहाँ ये दोनों पॉइंट कट करेंगे वो क्या होगा -3 और -2। तो इस साइड से आप इन पॉइंट को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन से। अब देखिए आप जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसमें क्या है, उसमें बोला है इतने कि हाउ विल यू डिस्क्राइब दी पोजीशन ऑफ ए टेबल लेंथ ऑन योर स्टडी टेबल ऑन दी टू दी अनदर पर्सन। कहते हैं कि मान लो इस साइड से आपका एक स्टडी टेबल बना हुआ है, टेबल है ये आपका इस साइड से, यहाँ पे टेबल है, ये स्टडी टेबल है, यहाँ कहीं आपका जो लैंप है स्टडी लैंप लगा दिया आपने स्टडी के लिए, यहाँ आपका लैंप सेट है। तो कहता है कि इसकी पोजीशन कहाँ है, मान लो यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन पोजीशन शो करना आपने, तो ये आपका क्या होगा एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी और ये आपकी क्या होगी वाई एक्सिस, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये आपकी वाई एक्सिस। तो आप देखिए कि ये लैंप यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालनी है हमने यहाँ से, और आपने एक ये डिस्टेंस निकाली है आपने इस साइड से, ये बात ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस इस लैंप की कितनी है। तो आप यहाँ से पहले इससे यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मान लो कि ये मेजरिंग की आपने, तो ये जो इस साइड से जो लैंप थी वो आपकी मान लो 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस आप यहाँ से मेजरिंग करते हो, ये आपकी आपकी है मान लो 15 सेंटीमीटर। तो यानी x का पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंट आएगा लैंप के लिए वो क्या हो जाएगा 20 और 15। या फिर ऐसे हो सकता है कि पर्सन ये पर्सन इस पर्सन के लिए ये x एक्सिस और y एक्सिस, हो सकता है कि ये x एक्सिस हो और उसके लिए y एक्सिस हो, तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये 15 और 20 भी हो सकता है। यानी यहाँ पे अगर हम x एक्सिस ये लेते हैं तो यहाँ से लैंप की यहाँ तक डिस्टेंस 20 है, और ये y एक्सिस लेते हैं तो ये 15 है। अगर मान लो आप इसको x एक्सिस मानते हो और इसको y एक्सिस मानते हो तो फिर ये 15 और 20 हो जाएगा, यानी x का पॉइंट पहला लिखा जाता है तो उसको उल्टा कर दीजिए, वो x हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा। यस मेरे हेलो हेलो बेटे कुछ पूछना है क्या? हेलो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका।
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि इस डायरेक्शन दी हुई है, क्या दिया हुआ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस टाइप से बना हुआ ये ओरिजिन हो गया, यानी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है ना, उसको इसको इस डायरेक्शन शो कर दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, ये कहता है कि बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और वो कितना है 200 मीटर का डिस्टेंस है इस टाइप से, ये फर्स्ट थ्री सेकेंड थ्री और फोर, ये फाइव है, इस टाइप से क्या बनी हुई है, स्ट्रेट बनी हुई है, ऐसे ही इधर बनी हुई है, वन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये ऐसे स्ट्रेट बनी हुई है, ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, ऐसे ही आपकी ये वाली ऐसे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और, अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर पहली स्ट्रेट इधर से पहले को कट करेंगे, ये जो पॉइंट आएगा ये वन वन आएगा आपका, ये जो पॉइंट आएगा इधर से टू है और इधर से ये फिफ्थ है, देखो यहाँ पे ये वन था और ये क्या था फिफ्थ था, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट आएगा जो फर्स्ट लाइन के इस लाइन के लिए वो आएगा वन और फिफ्थ, जो सेकेंड है उसके लिए क्या आएगा टू और फिफ्थ, थर्ड के लिए थ्री और फिफ्थ, फोर्थ के लिए फोर और फिफ्थ, और फिफ्थ के लिए फिफ्थ और फिफ्थ, ऐसे ही इसके लिए, अब इसके लिए यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आएगा वन फोर, ये टू फोर, ये थ्री फोर और ये फोर फोर, और ये क्या आएगा फाइव फोर, ऐसे ही दिखेगा। तो इसने बोला है क्वेश्चन क्या आती है, हाउ मेनी फोर स्टेट कैन बी रेफर्ड टू एज फोर थ्री, अब देखिए कि फोर एक्स एक्सिस का फोर ये है और वाई एक्सिस का थ्री ये है, तो ये आया फोर थ्री, यहाँ पे ये फोर है और ये थ्री है, ये कहता है कि कितने पॉइंट को ये रेफर करेगा, आप देखोगे कि फोर थ्री एक ही पॉइंट आएगा यहाँ पे, x 4 और y 3 हो तो वो क्या करेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो रेफर आएगा 4 3 का, वो क्या होगा 4 3 ओनली 1, ओनली 1 स्टेट रेफर, तो वन स्टेट को ही रेफर, वन पॉइंट को ही रेफर करेगा, बाकी को नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी है कि इसमें 4 3 बाद अनदर पॉइंट होगा, ऐसे इसने सेकंड पार्ट बोला कि हाउ मेनी प्रो स्टेट कैन बी रेफर टू एज 3 को, अब 3 4 बोला है तो x का 3 पॉइंट है और y का कहाँ है 4, ये वाला 3 4, तो ये भी क्या आएगा 1 ही पॉइंट आएगा, 3 4 भी क्या आएगा 3 पॉइंट ओनली 1 स्टेट है, तो इस टाइप से मैं सभी ये पॉइंट बताना है कि 3 4 3 है वो कितने पॉइंट होंगे, 4 3 यहाँ से होगा और 3 4 यहाँ से होगा, 3 4 थ्री एक्स का और फोर ये, तो ये और ये पॉइंट जो होंगे एक एक ही पॉइंट होंगे, तो ये शो करना था फर्स्ट एक्सरसाइज, बस इतनी ही हमें कि यहाँ पे हमें पॉइंट शो करने थे कि कैसे कैसे ये पॉइंट होंगे और क्या था, ठीक। सेकेंड एक्सरसाइज है वो है मेन, ये तो कुछ नहीं था ऐसे सिंपल सा था, सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें बोला है कि एंसर देना है हमने एक तो की व्हाट इज दी एंसर ऑफ दी ईच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन चाहेंगे कि ट्रांसफर देने हैं, ये बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस आर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन प्लेन, सर्टेन प्लेन में जो एक्स हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल लाइन है उनको क्या बोलते हैं, ऐसे है ये प्लेन है इसमें जो एक्स वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो इस टाइप से एक्स एक्सिस है वो क्या होती है हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो इस साइड से वाई एक्सिस वाली ये क्या है वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाएगी वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस कहलाएगी और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस। तो फर्स्ट ये था, सेकंड में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मड बाय दीज टू पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। देखो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करेंगे तो वहां पे कोई टू पॉइंट, मान लो इधर से एक्स का पॉइंट आ रहा है, इधर से पॉइंट वाई का आ रहा है, क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है तो वो क्या बनाती है, क्वाड्रेंट बनाती है। फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं तो क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये कहता है थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ पे टू लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। देखिए एक्स एक्सिस कट कर रही है और वाई एक्सिस कट कर रही है तो ये पॉइंट आया, यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन को ओ लिखते हैं, यहाँ पे जीरो जीरो होता है तो इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल था, उसमें सिर्फ आंसर देना कि फर्स्ट में कहता है कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं। तो एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। फिर क्या कहा कि टू लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती है तो क्या बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। और फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कट करती है वहां क्या होता है, ओरिजिन आता है। जहां पे जीरो जीरो पॉइंट है दोनों का तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, वो क्या होता है, ओरिजिन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि डायग्राम देख के आपको पॉइंट बताने हैं। तो डायग्राम दिया हुआ सिंपल है, आपको इस टाइप से कुछ भी डायग्राम दिया हुआ, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब मान लो आपको पॉइंट एक साइड से कुछ भी पॉइंट जो कि किए गए हैं, यहाँ पे है मान लो कोई बी पॉइंट है, ठीक है, ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट है। अब मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे डी, इसको लिखा हुआ इसने 3 और 5, और ये ए पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और -2। यहाँ पे जो सी पॉइंट है इसको लिखा हुआ है इतने मान लो एक्स का -2 और वाई का 2। तो बस ये सिर्फ डी पॉइंट दिया हुआ था, आपको ये लिखा हुआ नहीं था, आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ जैसे 5 लिखा हुआ था और यहाँ आपका 2 लिखा हुआ था। तो ये ओनली डी पॉइंट है, डी पॉइंट शो करना था तो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखो कि एक्स एक्सिस से कौन सी लाइन से आ रहा है 2 से और वाई एक्सिस कहाँ से आ रहा है 5 से, तो ये बी पॉइंट होगा। ऐसे ही ये मान लो माइनस का 2 था और ये 2 था, ये शो नहीं है, आपको लिखा हुआ सिर्फ ए। तो ए के पॉइंट क्या होंगे आपको लिखना है, तो आपको क्या लिखना है कि एक्स एक्सिस कितना है, एक्स वाले से कितने से आ रहा है 2 से आ रहा है और वाई से कितना आ रहा है माइनस 2। ऐसे ही सी वाला है, यहाँ पे 3 था और यहाँ -2 था, तो आपको बताना था कि किस पॉइंट क्या है। आप देखोगे पहले एक्स वाला लिखना होता है, एक्स कितना आ रहा है -2 और वाई कितना आ रहा है 3। तो ऐसे आपको इन पॉइंट्स को क्या करना था, मेंशन करना था, पॉइंट्स शो करने थे कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स होंगे, तो ये लोकेट करना था। बड़ी इजी और सिंपल एक्सरसाइज है ये, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब थीटा का मतलब हमेशा ये है कि एक्स का पॉइंट बताना है। जैसे मान लो किसी ने बोला है कि अब थीटा हो, तो किसने बोल दे कि अब थीटा हो, बताना है आपको अक्षिता, तो यहाँ एक्स एक्स होगा वो होगा यहाँ पे।